तो वैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रिएक्शन होती है अल्फा एल्फाइलो एस्टर्स की कीटोन के साथ तो एक तरफ अपने को गिवन है अल्फा ब्रोमो एस्टर अब यहाँ पे तीन एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो बेस का काम क्या होता है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना और इनोलेट बना देना तो वैस हो सकता है ये वाली हाइड्रोजन जो है वो कम एसिडिक है क्यों कम एसिडिक है क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो इससे ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि यहाँ से ब्रोमिन भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है और साइड वाला ऑक्सीजन भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पर तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ज़्यादा एसिडिक है नीचे वाला हाइड्रोजन से इसलिए बेस का काम है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को लेना तो ये इस वाले हाइड्रोजन को लेके यहाँ पे इनोलेट बनाने की कोशिश करेगा और इनोलेट वापस टाटोमराइज होके और क्या बना देगा कार्बेइन तो यहाँ पर ये ब्रोमिन कनेक्टेड है और ये सी एस टी और यहाँ पर क्या है कार्बेइन और एसीटोन जो है वो एज इट इज़ रहेगा अब बेस जो है वो जो अपना जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बेइन न्यूक्लियोफाइल जो है वो एसीटोन के कार्बोनाइल पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा अब ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो एस एन वन रिएक्शन देगा यानी इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और बी आर माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा एंड देयर बाय रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अपॉक्साइड यहाँ पे इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है जिसमें एल्फा एलोस्टर्स की रिएक्शन होती है कीटोन्स के साथ में जिसके थ्रू एस एन वन मै के थ्रू फॉर्मेशन होगा इपॉक्साइड्स का तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन तो गाइज हेयर वी आर गोइंग टू एनालाइज द अनस्टेबल डाई कार्बोक्सिलिक एसड यहाँ पे अपने पास एनिलिन गेमेन है और एनिलिन की रिएक्शन जब एन एन ओ टू प्लस एच सी एल के साथ होती है जीरो टू फाइव डिग्री सेल्शियस पे तो बेनजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है जिसकी फर्दर रिएक्शन वॉर्म एच टू के साथ कराएंगे तो फिनॉल बनेगा और साइड प्रोडक्ट है एच सी एल अब गायज थर्ड स्टेप में प्लेटिनम के साथ हीट कराएंगे थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्शियस पे तो दिस विल रिजल्ट इन द रडक्शन ऑफ दिस एरोमेटिक कंपाउंड विच इज फिनॉल और इसकी एरोमेटिसिटी का लॉस होते ही यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी और थ्री मोल्स ऑफ डाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज और सॉरी थ्री मोल्स ऑफ डाइड्रोजन गैस अपने को देने पड़ेंगे इसको तो उसके बाद में क्या बना देगा साइक्लोवेक्जीन ऑल साइक्लोवेक्जीन ऑल बनाने के बाद में अब अपन कराएंगे हीटिंग विद कॉपर एट थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हीटिंग कराएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा कीटोन ऑक्सीडेशन हो चुका है इसका ये टू डिग्री एल्कोल है और टू डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन इसी तरह होता है अब जो अगला रिएजेंट है वो क्या है ये एक तरफ सी एक ही कार्बन से सी ओ एच भी कनेक्टेड है और साइनाइड भी कनेक्टेड है यहाँ दो हाइड्रोजन से दोनों ही एसिडिक हैं क्यों एसिडिक है एक तरफ सी ओ एच वाला कार्बोनाइल माइनस आई लगाएगा दूसरी तरफ साइनाइड माइनस आई लगाएगा एंड मेकिंग दिस हाइड्रोजन एसिडिक अब हाइड्रोजन एसिडिक बनते ही बेस सॉल्यूशन के अंदर बैठा है तो बेस तो आएगा और उस हाइड्रोजन को ले जाएगा और कार्बेइन न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेगा कार्बन विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड फर्दर अटैक ऑन द कार्बोनाइल जो कि अब हमने रिडक्शन से बनाया था तो यहाँ पे इस ओ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज और वो प्रोटोन क्या बन गया ओ OH, एच और यहाँ से कार्बन नंबर वन से कौन कौन कनेक्टेड है एक तो साइनाइड और एक कौन कनेक्टेड है सी ओ ओ एच अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा एल्कोहल का क्योंकि हीटिंग अच्छा हीटिंग नहीं भी है तो भी यहाँ डिहाइड्रेशन होगा बेस आएगा एस्ट्रिक हाइड्रोजन को ये डबल बॉन्ड होगा और ओ एस टू प्लस बाहर निकल जाएगा फटाफट प्रोटोनेट हो गए तो वाटर बाहर निकलते ही अब इस स्ट्रक्चर का अपन ने क्या कर दिया हाइड्रोलाइसिस फिफ्थ स्टेप को आप देखेंगे सिक्स स्टेप को तो वहाँ पर क्या लिखा है मैंने हाइड्रोलाइसिस लिखा है तो इसका एस्टर्स का हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है कार्बोक्जिलिक एसिड अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है एस्टर्स के हाइड्रोलाइसिस से अब अपन देखते हैं एक कार्बन पर दो सी ओ एच ग्रुप अनस्टेबल होते हैं अब बेस आएगा फिर से इस वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा और सी ओ टू गैस रिलीज होगी बेस आएगा क्योंकि एक कार्बन पे दो एच दो सी ओ एच के हैं अनस्टेबल और सी ओ टू गैस रिलीज होते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा एक कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा कार्बेनाइन और यहाँ से कौन कनेक्ट था सी ओ एच यानी एक सी ओ एच तो रह सकता है पर दो सी ओ ओ एच नहीं रहेंगे और ये कार्बेनाइन लेने किसको मिल जाएगा एसिड को एसिड अवेलेबल है ही तो ये गाइज अपना हो चुका है फाइनल प्रोडक्ट ये सिक्स मेंबर रिंग यहाँ से डबल बॉन्ड सी फिर यहाँ से सी ओ ओ एच नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन जिसमें सेलिनियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा इस एलकाइन का तो सेलिनियम डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ये बॉन्ड आएगा इसको लेने जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज ये फिनाइल रिंग एज इट इज़ है ये कार्बन ये कार्बन और ये फिनाइल रिंग डबल बॉन्ड बच जाएगा एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव आया था उसने तो अटैक कर दिया सिलीनियम पे और सिलीनियम से कौन कनेक्टेड है डबल बॉन्डो और सिंगल बॉन्ड से कौन कनेक्टेड है ओ माइनस ओ माइनस अब गाइज ओ माइनस उस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और एक फोर मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी फोर मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा तो इस तरह से कुछ ये स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे सिलीनियम से डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड है और यहाँ पे फिनाइल रिंग एज इट इज़ अब गज होगा क्या यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी दैट विल दैट इज़ कॉल्ड एज एस शिफ्ट दिस शिफ्ट इज कॉल्ड एज पेरीसाइकलिक शिफ्ट जिसमें इस तरह से बॉन्ड शिफ्टिंग होती है और एक जगह कार्बोनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा ये फिनाइल रिंग एज इट इज यहाँ पे यहाँ से कौन कनेक्टेड है डबल बॉन्ड्स एलिनियम और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ से कौन कनेक्टेड है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर फिनाइल रिंग अब अगर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा वहाँ पे एसिड अवेलेबल है फर्स्ट स्टेप में साइड में एसिड भी अवेलेबल है तो इसका हाइड्रोलाइसिस होते ही जो डबल बॉन्ड सेलिनियम है वो ब्रेक होगा और सिंपली हाइड्रोलाइसिस करने पे एक और कार्बोनाइल का जनरेशन यहाँ पे हो जाएगा और एस टू एस सी ओ रिमूव हो जाएगा साइड से तो ऐसा देख सकते हैं अपन हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में स्टेप नंबर वन से जो फाइनल प्रोडक्ट अपने को ऑप्टेन हो रहा है वो ये है एल्काइन तो हट चुका है ट्रिपल बॉन्ड हटा और दोनों तरफ क्या कनेक्ट हो गए कार्बोनाइल तो कभी भी सेलिनियम डाइऑक्साइड दिखे तो इस तरह से ऑक्सीडेशन कर देना है एडजस्टन कार्बन कार्बन पे अब गाई सेकेंड स्टेप में बेस गिवन है और हीटिंग भी गिवन है हीटिंग विद बेस तो बेस आएगा एक कार्बोनाइल पर अटैक करेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसा ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कौन कनेक्टेड है ओ OH. एच और यहाँ पे कौन कनेक्टेड है सी डबल बॉन्डो और फिर फिनाइल रिंग अब गाय जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का जहाँ पे होता है बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट वेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट में क्या होगा ये बॉन्ड इधर आएगा ये फिनाइल रिंग माइग्रेट करेगी इस कार्बोन पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज तो माइग्रेशन ऑफ फिनाइल रिंग होता है यहाँ पे और अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अपन ने देखा नहीं क्योंकि एक ही ग्रुप प्रेजेंट था वहाँ पर फिनाइल तो ऑब्वियसली वो ही माइग्रेट करेगा तो वी डोंट नीड टू जज दैट विच ग्रुप माइग्रेट्स वेयर पता है आपने वो कहाँ माइग्रेट करेगा और ग्रुप भी एक ही है तो अब एक कार्बन पर दो फिनाइल रिंग्स यहाँ पर अटैच्ड है और ये बन चुका है अपना फाइनल प्रोडक्ट इस क्वेश्चन का ये प्रोटोनेशन होगा इसका प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन हुई क्योंकि प्रोटोन तो है ही अपने पास तो भी दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसे ध्यान रखना वापस देखते हैं अपन अनस्टेबल डाई एसिड यह हाइड्रोजन में पहले ही बता चुका हूँ एसिडिक है तो अब डायरेक्ट बेस आएगा एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और कार्बन एड न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा साइनाइड से जो कार्बन कनेक्टेड है वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और साइड में कौन कनेक्टेड है एस्टर इस पर अटैक करेगा ओ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज तो ये फिनाइल रिंग यहाँ पे फिनाइल रिंग से कौन कनेक्टेड नाइट्रोजन वहाँ से ओ एच क्योंकि ओ नेगेटिव को मैं हरदम अपने आप प्रोटोनेट कर देता हूँ तो बस वो जो ओ माइनस है वहाँ पे एच प्लस लगा लगा के वो प्रोटोनेट हो जाता है और फर्स्ट कार्बन से साइनाइट कनेक्टेड था और एक तरफ कौन कनेक्ट था सी ओ ओ टी अब कार्बन नंबर वन जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर एक और एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्योंकि बेस एक्सेस में प्रेजेंट होगा और बेस एक्सेस में नहीं भी प्रेजेंट होगा तो भी ये हाइड्रोजन एसिडिक है इतनी कि नॉर्मल अगर बेस प्रेजेंट है तो वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि तीन तीन ग्रुप्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होने की वजह से ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक बन चुकी है और इतना ज़्यादा एसिडिक बनने के कारण जो बेस है बस बेस इसका काम लगा देगा एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ से एन पे ओ एच कनेक्टेड है ये सी एन और यहाँ से सी ओ ओ ओ टी अब कार्बन आइन का फॉर्मेशन हो चुका है अब कार्बेन आइन न्यूक्लोफाइल है तो क्या है ये न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफाइल का काम का क्या होगा वापस से नाइट्रोजन पे अटैक करना तो अभी तो सिंपल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर कार्बेनाइन का ये कार्बनइन अभी कार्बन आइन नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे वापस क्या आएगा नेगेटिव चार्ज एक और मूल प्रेजेंट है इसका इसके तो बहुत सारे मूल्स है तो अपने दूसरा मूल लिया यहाँ पे एन डबल बॉन्ड हो ये दूसरा मूल था अब ये कार्बेन आइन अटैक करेगा नाइट्रोजन पर और ऑक्सीजन पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ये कार्बन ये नाइट्रोजन पे ओएच OH और यहाँ से एक फिनाइल रिंग यहाँ से एक और नाइट्रोजन इस पे ओएच OH एच और इसी नाइट्रोजन पे कौन फिनाइल रिंग दूसरा मोल था इस कार्बन पे कौन कौन कनेक्टेड है एक तो साइनाइड जिसने अटैक किया उस कार्बन पे एक तो साइनाइड कनेक्टेड है और एक एस्टर कनेक्टेड है इसका गराव अब हाइड्रोलाइसिस तो वह साइनाइड और एस्टर्स दोनों के हाइड्रोलाइसिस से कौन बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहाँ पे वापस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और डाय कार्बोक्सिलिक एसिड अनस्टेबल होता है तो यहाँ पे इस तरह से कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होगा और फाइनली जो भी कार्बोनाइन बनेगा अच्छा ये मैकेनिज्म क्यों कैरी ऑन कर रहे हैं अपन क्योंकि बहुत ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पे रिलीज़ हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मेकिंग द रिएक्शन मोर सस्प्टेबल एंड एक्टिव टूवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभी कार्बोनाइन एक्सप्रेस को ले लेगा और फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा सो एज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड I hope you liked it and have a nice day.